कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप क्वीन और मैं हूँ पूजा। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे कोहनी और घुटने के कालेपन के बारे में, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इससे बहुत सी लड़कियाँ परेशान रहती हैं कि जब वो किसी पार्टी वगैरह में जाती हैं या कहीं बाहर जाती हैं, अगर उन्होंने शॉर्ट्स डाले हैं या शॉर्ट लेंथ ड्रेस डाली है, कालेपन जो रहता है, काला रहता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगती, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो हमारे बॉडी के कलर से बिल्कुल अपोजिट लगता है वो। तो गैस, उसी के बारे में मैं आज आपको बताने दो या तीन टिप्स से कैसे आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बने रहे, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं कि वो दो तीन टिप्स क्या है। सो फ्रेंड्स, पहला टिप्स है नींबू एंड बेकिंग सोडा। नींबू में विटामिन सी रहता है, जो हमारे दाग धब्बे से लेके कालेपन को दूर करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। सो फ्रेंड्स, से आप एक नींबू ले लीजिए, उसे हाफ काट लीजिए, उसमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल लीजिए, और उसे आप अपने कोहनी पे ऐसे मतलब करके उसको थोड़ी देर मसाज कीजिए। ज़्यादा देर मत कीजिएगा गैस, नहीं तो वो जलने लगता है, बिकॉज नींबू में बहुत ज़्यादा विटामिन सी रहता है। तो इसे आप 2 से 3 मिनट तक मसाज कर लें, और फिर इसे नॉर्मल वाटर से धो लें। कोहनी पे अगर आपके कालेपन है तो आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके घुटने पे है तो आप इसे उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गई आपकी पहली। सेकंड टिप्स है शुगर। शुगर हमारे स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करती है गैस, तो आप शुगर ले लीजिए थोड़ी सी, और उसमें ऑलिव ऑयल मिक्स कर लीजिए, और उससे भी आप मसाज कीजिए जहाँ पे आपके कालेपन है, जैसे आपके कोहनी हो गए, आपके घुटने हो गए, तो आप उस पर मसाज कीजिए कम से कम 5 मिनट, और उसके बाद उसे नॉर्मल कपड़े से आप उसे पोंछ लीजिए, या फिर वॉश भी कर सकते हैं, पर पोंछ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, अगर आप इससे मसाज करते हैं तो आपके कालेपन बहुत जल्दी दूर हो सकते हैं। तीसरा टिप्स है गाइस खीरा। खीरा आप लीजिए, उसे स्लाइसेस में काट लीजिए, और उसे भी आप कम से कम 5-10 मिनट अपने जहाँ भी कालेपन है उस वहाँ पे आप रगड़िए, आपको उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, उससे भी आपका कालापन दूर हो सकता है। तो गाइस, बस ये आप 3 टिप्स कीजिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट नज़र आएगा कि आपके कालेपन कोहनी एंड घुटने के दूर हो गए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे और भी अच्छे अच्छे मैं आपको टिप्स दूंगी, आगे और भी अच्छे अच्छे रेसिपी दूंगी। कल मैं एक रेसिपी डालने वाली हूँ, सो फ्रेंड्स जरूर देखिएगा। ओके गाइस, बाय, टाटा, सी यू।